नमस्ते, माय नेम इज केंतो जेनी, एमएलए टर्ट्यून आलोइस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। द टाइसन टॉक शो इज फर्स्ट एवर टॉक शो इन अरुणाचल प्रदेश बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय यंग टैलेंट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। द मेन इंटेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस टॉक शो इज टू प्रमोट लोकल आर्टिस्ट एंड सक्सेसफुल पर्सन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सो दैट द यंगर जनरेशंस गेन learn and imbibe good things from them. And this talk show will also inspire all young generations to become a good person of the society. This talk show is being telecast every Sunday at 3 p.m. in YouTube. From my side, I am ready to extend all possible help as and when they require. And I wish every success in their all endeavors. Thank you. Hello everyone, मैं हूँ आपके host वाइसुन संगवाल and welcome back to the another episode of the Tyson Talk Show. सो गाइज, आज के जो एपिसोड है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो हम लोग के साथ गेस्ट जुड़ेंगे ही इज़ अ रोल मॉडल एंड ही इज़ द मोस्ट लव्ड ऑफिसर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नन अदर देन तालो पोतम सर। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको हमारे जो टॉक शो है टाइसन टॉक शो पे वेलकम करना चाहता हूँ सर। थैंक यू सर। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आपसे जनता ये जानना चाहते हैं कि आपका जो हंसी है, जो स्माइल का राज क्या है? राज ये है कि लोग ये चीज़ को बिल्कुल समझता है कि आप हंसने से लोग हंसेंगे, आप रोने से कोई भी आपका साथ नहीं रोएगा, इसलिए हंसते रहो। यस सर, ओके सर। यू नो, आप जब भी कैपिटल कम्प्लेक्स या यहाँ पे बहुत इश्यूज होता है, तो जब भी कोई भी इश्यूज होता है तो आपको देखते हैं तो लोग पर लगता है कि सिचुएशन भी नॉर्मल है। एनीवे सर, विल मूव फॉरवर्ड, मैं चाहता हूँ आप भी हमारे जो व्यूवर्स को अपने थोड़ा सा परिचय करें। हाँ जी, हाँ, मैं ऐसे बचपन मेरा ताली में गुजरा, तो ये अभी तक सड़क नहीं बना है, वहाँ पे जन्म हुआ था, तो वहाँ से फिर मैं पालिन, ये करादादी ही है, वहाँ पे पिताजी ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ में मैंने वहाँ शिफ्ट हुआ। उसके बाद आर के मिशन उस समय में 1976-77 में बहुत अच्छा स्कूल हुआ करता था, तो मुझे वहाँ पे भेजा गया। वेलकम टू एंजल्स ब्राइडल बुटीक एंड मोमची। वी मेक एसेसरीज लाइक हेयर बैंड, स्क्रंचीज, फेस मास्क, ड्रीम कैचर एंड मैनी मोर, ए हब ऑफ लोकल डिजाइनर्स। वी आर ऑल अबाउट लुकिंग गुड एंड डूइंग गुड। आवर कलेक्शन इज हैंडक्राफ्टेड एंड मेड विद लव। We also take customized orders, so visit us at Angel's Bridal Boutique at Kanga near Clock Tower, Itanagar. उस समय में 1976-77 में बहुत अच्छा स्कूल हुआ करता था, तो मुझे वहाँ पे भेजा गया। मैं आर के मिशन में पढ़ाई किया, उस पर क्लास 10 तक पढ़ाई किया। उसका बाद आर के मिशन का बाद हमारा जो पर्स इंजीनियरिंग कॉलेज नेरिस जो है निर्जुली में, वहाँ पे इंटरव्यू देके सिलेक्शन मिला। वहाँ पे हमारा इंजीनियरिंग का 6 साल का कोर्स कंप्लीट किया। कंप्लीट करने का बाद तो हमारा यहाँ का जो सिस्टम है, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर, साउथ ईस्ट एशिया में पर्स कॉलेज है जो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर होता है, 2+2+2+ होता है, तो वहाँ पे ऑलरेडी डिप्लोमा सर्टिफिकेट था, तो जेई का इंटरव्यू आया पीडब्ल्यू में, वहाँ पे सिलेक्शन मिल गया और 92 से 93 तक वहाँ पे जॉब किया जेई में। तो 93 में फिर एपीसीएस में एई का एग्ज़ाम हुआ,
तो फिर 94 में फिर एई में फिर पीडब्ल्यूडी में ज्वाइन किया। देयर आफ्टर फिर बहुत साल हो गया हुआ एई पे, तो यूडी नया डिपार्टमेंट खुला, तो वो भी हम लोग का ही पीडब्ल्यूडी का ही पार्ट था। जी तो वहाँ में मैं स्विच ओवर करके मैं वहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का काम किया। ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारा जो यहाँ जो ईटानगर का ये जो हमारा दूधा बोल के डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी यहाँ हुआ करता था, उसका काम चलते चलते तो गवर्नमेंट ने हमको मजिस्ट्रेट और चीफ स्टेट ऑफिसर का पावर दिया, तो काफ़ी काम किया। तो गवर्नमेंट फिर एक डिपार्टमेंट खोल दिया चीफ स्टेट ऑफिस, तो फिर वहाँ पे 2011 को हमको नियुक्त किया। तो मीन टाइम में फिर हमारा जो आईएएस का जो एक होता है ये जो लेटरल एंट्री का जो पोस्ट होता है, वहाँ पे हमारा जितना भी सीनियर ऑफिसर लोग अप्लाई करता है तो वहाँ हमारा स्टेट लेवल में स्क्रीन कमिटी होता है, वहाँ में सिलेक्शन होता है। तो हम लोग को 5 जन को यहाँ सिलेक्शन किया, तो फिर यूपीएससी में वहाँ में 50% एशिया का ऑफर होता है, 50% इंटरव्यू देता है, तो हम 5 को यूपीएससी में इंटरव्यू हुआ जी। लास्ट 21 में, तो वहाँ से आईएएस हमको नॉमिनेशन मिला और 2016 का बैच हमको मिला है, अभी 6 साल पार हो गया। ओके सर, नाइस, इट वाज सच अ नाइस जर्नी सर। और सर, जैसे कि आप लोग काम पे बहुत बिजी रहते हो, वर्क प्रेशर बहुत होता है, तो अब मैं चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि कुछ समय के लिए आप रिलैक्स होके हमारे साथ बात करें खुल के। बिल्कुल, मैं रिलैक्स में हूँ जी। इनफैक्ट मैं ये भी चाहता हूँ कि आप कुछ देर के लिए आप भूल जाए कि आप एक ऑफिसर हो। बिल्कुल बिल्कुल, विद ड्यू रेस्पेक्ट। बिल्कुल। ओके सर, From PWD department working as JE, इसके बाद AE to DC. UD में एक्शन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जी। उसका जर्नी आपका आपके लिए बहुत लंबा था, तो फर्स्ट आपका स्कूलिंग लाइफ से हम जानना चाहेंगे कि आपका स्कूलिंग लाइफ कैसा रहा। हाँ देखिए, ये तो हम लोग का उस जमाना में आप मैं पालिन से आलो जाना था, आजकल आलो बोलते हैं आलोंग जी, तो उस समय में आप पैदल पालिन से 0-2 दिन जाना होता है, अगर गाड़ी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला है तो 1 सप्ताह जैसे वहाँ रुकना होता है, फिर वहाँ से लखीमपुर एक बस में जाके लखीमपुर, फिर लखीमपुर से ट्रेन पकड़ के सिलापत्थर। उस समय में सिलापत्थर में सब कच्चा घर था, एक नेपाल होटल था, हम लोग वहाँ रहा करता था, वहाँ से फिर आलो जाता था। वो एक सफ़र जो है इतना लंबा, आज एक दिन में हम पहुँचते हैं। तो दूसरा है कि हम जो पिताजी जो है पैसा जो है मनी ऑर्डर होता था, तो मनी ऑर्डर मतलब है कि आपको 1 महीना लगता था घर से स्कूल में पैसा पहुंचने के लिए। तो उस समय में आर के मिशन स्कूल में ये एक रामाकृष्ण मिशन स्कूल जो है बहुत ही अच्छा स्कूल था, मुझे तो बहुत चीज़ वहाँ में से सीखने को मिला। आज हम सिगरेट नहीं पीता है, तमोल नहीं खाता है, दारू नहीं खाता है, पीर कोई जुआ का हैबिट नहीं है, ये सब चीज़ आर के मिशन स्कूल का एक गिफ्ट है। हम अभी लगता है कि मेरा एक मोरालिटी जो होता है वहाँ पे, तो कभी कभी गुस्सा भी आता है हमें, ये जो आजकल का दिन में अनसक्सेसफुल इंजीनियर रहा, क्योंकि हम जो आर के मिशन में जो पढ़ाई किया, एक प्रिंसिपल था स्वामी विवेकानंद का टीचिंग्स प्रीचिंग्स को लेके, तो ये आम जो अभी का सोसाइटी में वो अनक्वालिफाइड हो जाता है थोड़ा, तो इसलिए मेरा इस आर के मिशन का जो स्कूल का जो लाइफ था ऑलमोस्ट मेडिटेशन में गया, और आज भी मेरा दोस्त लोग हमको आनंद जी बोलते हैं क्योंकि मेडिटेशन में आप रहने से तो आप हमेशा आनंद ही रहता है। जी जी। तो एक कारण आप जो सवाल हमको आगे पूछा है, एक तो फिलोसोफी है कि वो आपने सुना है, हम जैसे बोला है आप हंसेगा तो सब हंसेगा साथ में, रोएगा तो आपका सब कोई नहीं रोएगा। दूसरा है कि ये एक है कि आप एक स्पिरिचुअल लाइफ स्कूल डेज में जो जिया है वो कारण है कि आप जितना भी स्ट्रेस हो, फैमिली में हो, बाहर में हो, ऑफिस में हो, आप वो स्ट्रेस को कैसे अपना आपको उस
रिजॉल्व करना है, तो आप ये इंटरनल चीज़ है, तो जी ये बहुत स्कूल डेज से सीखा है। जी तो सर आप स्कूल डेज में कैसे लाइक एवरेज स्टूडेंट थे कि आप बहुत ब्रिलियंट थे कि? हाँ, ये बात अच्छा सवाल पूछा है। ऐसे मैं एवरेज से थोड़ा ऊपर था, लेकिन क्या होगा कि हो गया कि बीच में लोगों का कहना है कि दोस्त लोग का, क्लास का दोस्त लोग, मैं 1, 2, 3 में आता था तो बोलता है कि तालो तुम तो ज़्यादा पढ़ाई करता है, ज़्यादा मेहनत करता है, इसलिए तू ये है। होगा ठीक है, आज से हम मेहनत नहीं करके, पढ़ाई नहीं करके एग्ज़ाम देगा, बोलने का बात हमारा थोड़ा से एवरेज में आ गया। एवरेज में हमेशा रहा, इसलिए लाइफ में अभी आप देखेंगे कि हम जब नेरिस में मेरा भी बहुत से लोग, बहुत टैलेंटेड मेरा क्लासमेट लोग था, तो ऑफकोर्स दूसरा कुछ कारण ये था कि 1988 में मेरा पिताजी गुजर गया, तो फैमिली को भी मुझे देखना होता था, क्लास भी जाना होता था, थोड़ा उसमें पढ़ाई का प्रॉब्लम होता था। अदरवाइज तो हम यही बोलेंगे कि जब एवरेज का बात करता है तो हमारा जो जितना भी इंटरव्यू या जो नौकरी के लिए जो हुआ, मेरा जो साथी लोग काफ़ी टैलेंटेड लोग भी था, तो वो कम्पीट नहीं कर पाया। कारण हम देखा है कि लोगों को सिर्फ टैलेंट ही नहीं चाहिए, लाख भी साथ में होना ज़रूरी है, मैं आज तक यही मानता हूँ। सर आपने जैसे कि आपने नेरिस पे पढ़ाई की, आपने आफ्टर दैट कितना समय के बाद आपको जेई मिल गया? नहीं, मैं नेरिस में ऑलरेडी आपको बताया ना, ये अभी जो नया जो एजुकेशन सिस्टम आ रहा है जी, ये भी नेरिस का जो मॉडल, स्वीडन मॉडल बोलता है, साउथ ईस्ट एशिया कार्टर में पेकिंग यूनिवर्सिटी के अलावा हमारा या लोंगवाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पंजाब में, ये दो ही इंस्टीट्यूट खुला जो अभी जो हमारा जो नया जो एजुकेशन पॉलिसी का सेम टाइप का है, जो अभी हमारे यहाँ होता है सर्टिफिकेट मॉडल क्लास 10 का बाद, फिर ये डिप्लोमा मॉडल, देन डिग्री मॉडल। तो मेरा डिप्लोमा ऑलरेडी कंप्लीट था, तो मैं डिप्लोमा डिग्री कंप्लीट नहीं करने से पहले इंटरव्यू दिया, तो आज जैसे मैं कॉलेज से निकाला, नेक्स्ट दिन में मैं नौकरी ज्वाइन कर दिया, क्योंकि मुझे नौकरी कॉलेज डिग्री कंप्लीट करने से पहले मिल चुका था। जी, जी. तो जेई हम 92 में जैसे हम पास आउट हुआ, 92 में हम ज्वाइन कर दिया। हाँ, तो उसका बाद एई का इंटरव्यू 93 में आया, तो 94 में फिर हम एई में फिर ज्वाइन कर लिया। ओके सर, आपने कभी उस समय कभी आपने सोचा था कि आप एक दिन ऐसे डीसी स्टेट को सर्व करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बिल्कुल नहीं है, मुझे तो अभी याद आ रहा है, कोई हाथ देखने वाला नहीं होता है। जी जी, वो आके मैं यहाँ यूडी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, मुझे बोला है कि तुम डायरेक्टर बनेगा जी, तो मेरा जितना वो सीनियर आदमी लोग को देखने का बात, मुझे तो नहीं लगता है आप झूठ बोल रहे, कभी नहीं होगा। तो बोला कि मेरा जीवा को काट लो, आप डायरेक्टर बनेगा। तो 2011 में चीफ स्टेट ऑफिसर और डायरेक्टर ही होता है, तो चीफ स्टेट ऑफिसर में डायरेक्टर का रैंक में फिर 2011 में बन गया। फिर वही साधु जो है तनिकले बिंदे, हम उसको बोलते हैं, वो आके फिर घर में आके हमको बोलता है कि अभी तो आप डीसी बनेगा बोला है, तो आप हमारा जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है ना, डीसी बनने के लिए आइदर यू शुड बी एन एपीसीएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर। मैं तो एपीसीएस भी नहीं हूँ, आईएएस भी नहीं हूँ, मैं कैसे डीसी बनेगा? मैंने बोला है कि ये भी आप गलत बोल रहे हैं, नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल बनेगा बोला। तो यही बात अभी पता नहीं है, डीसी बनने का बात जो तो मैं जब डीसी बनना है उसका एक साल पहले में भी मैंने नहीं सोचा है कि मैं कभी डीसी बनूंगा। सो सर, आप वो चीज़ को आप विश्वास करते हो कि लाइक भविष्यवाणी ये सब? हाँ, मैं डिस्टिनी को मैं आगे भी आपको हम इसलिए बता रहा था कि हम मेडियोकर हो या टैलेंटेड हो, मेरा भी मानना है कि आप टैलेंटेड होने से भी डिस्टिनी कुछ है जो आप चाहते हुए भी नहीं पहुंचेगा या नहीं चाहते हुए पहुंचेगा। जी, डिस्टिनी पता नहीं, हम इसका तो कोई ऐसे कोइंसिडेंस भी हो सकता है लोगों को, अभी हम आगे फिर क्या होगा मुझे भी पता नहीं। ओके सर, सर जैसे कि आप पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पे काम कर रहे थे, हाँ जी, तो वो
वो वर्क को और अभी जो आप करेंटली पोस्टेड हो डीसी ऐसे डीसी, तो वो दोनों को आप कंपेयर करने से कैसे लाइक फील होता है? व्हाट आर द चैलेंजेस आप फेस करते हो? हाँ, ये एक अच्छी बात है, लोगों को इस बात को जानकारी रखना चाहिए। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हमने जितना 20 पीडब्ल्यूडी में कम से कम हमने 18 साल जैसे काम किया, इस 18 साल में मुझे 65 ट्रांसफ़र मिला। शायद मेरा मरने का बाद भी किसी को ऐसे ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। सर, मैं इस पे एक सवाल करना चाहता हूँ आपको, आपको ये ट्रांसफ़र जो अच्छा काम के लिए मिला कि बुरा काम के लिए मिला? नहीं, ये यही चीज़ को लेके मैं आज यहाँ जो आईएएस में नॉमिनेट हुआ, इंटरव्यू दिया, फिर यहाँ पे, फिर अभी डीसी बना, तो यहाँ मंजिल हमको यहाँ जो मिला है, मैं उसी प्रिंसिपल को लेके मैं आगे आपको जो बात किया है कि आरके मिशन में जो पढ़ाई किया, वहाँ जो एक प्रिंसिपल सिखाया उसका थोड़ा ये कारण से हो गया, इसलिए मैं कभी कभी उन लोग को कर्ज करता है। बिकॉज ऑफ योर रॉन्ग टीचिंग फॉर द सोसाइटी, एग्जिस्टिंग सोसाइटी जो है जी, वो कारण से मैं फेल हो गया, क्योंकि 65 ट्रांसफ़र इज़ नॉट मेथड ऑफ ए जॉब। तो इसका कारण क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है, वो सिस्टम में ये ऐसे होता है कि काम जो है, वर्क ऑर्डर देना, बिल बनाना, पेमेंट देना, वो सिस्टम में डिफेक्टिव है। तो यह सिस्टम में आप जेन्यून आदमी को मिलेगा ये कोई बात नहीं होता है। आप जेन्यून काम करेगा, अभी एक सड़क बना रहा है, एक कलबर्ट बना रहा है, आप वहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन को फॉलो करता है नहीं करता है, तो कभी 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 हम लोग भी गुस्सा आ जाता है ना, इंसान है, बेलचा को फेंकना पड़ता है, सीमेंट को फेंक देना पड़ता है, लेबर को भगाना पड़ता है, और किसी का बिल को रिलीज़ नहीं करना होता है, बहुत से चीज़ होता है जो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करने का नहीं होता है, तो जिसका कारण से उन लोगों को पसंद नहीं आता है, तो वहाँ से उखाड़ के फेंक देता है। ओके सर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, हाउ डू यू मैनेज योर वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ? ये बहुत अच्छा है लेकिन बहुत तकलीफ़ है, लेकिन इसको मैं सिंपल में बता दूंगा। ये सरकारी नौकर को 24/7 जॉब में रहना चाहिए, और इसमें फैमिली का बहुत योगदान होता है जी। अगर फैमिली अगर आपका सपोर्ट में है तो आपका पर्सनल लाइफ में कोई इश्यूज नहीं होगा। और मेरे लिए बहुत शुरू से जब मैं जेई में घुसा, सुबह 7 बजे ड्यूटी में निकल जाता है, शाम को आ जाता है, तो मेरा फैमिली इस हैबिट और ये सिस्टम को उन लोग एडप्ट कर लिया, जिसका कारण से हम पर्सनल लाइफ को भी मैनेज कर लेता है और ऑफिस का काम को भी मैनेज कर लेता है, बहुत सिंपल है। ओके सर, ओके, अगला सवाल आपके लिए, आपको हम लोगों ने देखा है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हो। हाँ जी, जो उसका राज क्या है एंड आप कैसे मेंटेन करते हो उसको? हाँ, ये समय को मैनेज करना होता है लाइफ में। आप सक्सेस हो या फेलियर हो वो डिपेंड करता है कि आप समय को कैसे मैनेज करता है, और आप सफिशेंट एनर्जी आपको चाहिए होता है जी। और हमेशा ये बात को याद रखना है कि कोई भी काम को आप फिजिकली सोचेंगे करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 आवर्स से ज़्यादा आप काम नहीं दे पाएंगे जी। तो इसलिए आप इसको मेंटली और स्पिरिचुअली आप काम को लेंगे, तो अभी हम जैसे मेरा अभी PSO है, ड्राइवर है, उन लोग एक दिन काम करने के बाद वो लोग थक जाता है, तो हम लोग हमको तो थकावट दिन से दिन, साल महीना हमको कोई थकावट महसूस नहीं करता है। उसका कारण ये है कि हम कोई भी काम को अपना माइंड से काम करना होता है, फिजिकल नहीं है। फिजिकल जो है आपको इतना साथ नहीं देगा, अगर फिजिकल का बारे सोचेगा तो आप 6 घंटा ज़्यादा ज़्यादा आप टाइम दे पाएगा, ये 24 घंटा में जो आप सो लेता है उसका रेस्ट टाइम आप काम कर सकते हैं जी। जैसे कि आप अभी मेंशन कर रहे थे मेंटल, तो आपको क्या लगता है कि मेंटल स्ट्रेंथ एक इंसान के लिए किस हद तक ज़रूरी है? मेंटल स्ट्रेंथ, जब तक आप जिंदा है जी आपको ये मेंटल स्ट्रेंथ का ज़रूरत है।
मेंटल स्ट्रेंथ, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ, अभी आप, मैं 16 साल हो गया मेरा डायबिटिक्स जो है, अभी जी आप देख सकता है मेरा 5-10 साल, 10-15-20 साल पहले मेरा जो फिगर को देखेगा और आज का जो फिगर देखेगा, तो हमारा जो शरीर जो है हमको कितना साथ देगा हमको पता नहीं है, यस लेकिन हम, हमारा मेंटल स्ट्रेंथ हमको जब तक मैं मर नहीं जाता है, ये मेंटल स्ट्रेंथ हमको, मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ को भी वो बूस्ट करेगा और उसी हिसाब से हम काम बढ़िया से कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि हमारा पास जो कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है, हम कॉन्शियस माइंड जो मेंटल को हम ये एक इंस्ट्रक्शन दे देता है कि हमको काम करना है, जी फैमिली के लिए हो या समाज के लिए हो, तो करना है। एक बार इंस्ट्रक्शन आप मेंटल दे, मेंटल में फिट कर देता है, तो ये बॉडी जो है ऑटोमेटिकली मूव करता है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं अगर काम नहीं करेगा ना, अगर 2 दिन रेस्ट करेगा तो मर जाएगा। जी सर, ऐसे लगता, लाइक आपको देखा है, हम लोगों ने पूरा अरुणाचल, आप हाँ लोगों, आपको बहुत प्यार करते हैं आप अरुणाचल के हाँ लोग, तो आप, आपको कभी लाइक पता, हम लोगों को लगता नहीं है कि आप एक बीमार, लाइक डायबिटीज़ बीमार हो, हाँ क्योंकि डायबिटीज़ इंसान बहुत मेंटेन करना पड़ता है। सो बट आपके जो वर्क, जो सर्विस है स्टेट के लिए, आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे, आपको बेस्ट विशेस। सो ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ए चाइल्ड व्हाट वाज योर एम्बिशन? हम लोग का एम्बिशन जो है, हम लोग का जमाना में, मेरा फैमिली में अबोतनी से लेके फर्स्ट पर्सन टू गो टू द स्कूल, फर्स्ट पर्सन टू गो टू द स्कूल फ्रॉम अबोतनी टू टिल माई फादर, तो इसलिए हमारा जो है कोई ऐसे एम्बिशन नहीं है, प्लान नहीं है, कुछ नहीं है। पिताजी स्कूल में छोड़ दिया, पिताजी तो ना मेरा स्कूल को देखा ना मेरा कॉलेज को देखा जी। तो नॉर्मली क्या होता है कि फिर मेरा जो आसपास का जो रिलेटिव्स लोग हैं उन लोगों को भी ये कोई, उस समय हम लोग का जमाना में इतना ये प्रोफेशनल को लेके कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं था। इवन हम लोग का मंत्री लोग को एक हमेशा वो प्रचलित था बातचीत जो है, मेरा एक सीनियर लोग का वो बोला है कि हम MBBS पढ़ेगा जी। तो मंत्री भी बोला है, हेल्थ मिनिस्टर बोलता है कि MBBS क्यों पढ़ेगा, आप डॉक्टर बनो। तो आप इससे समझ सकता है कि हम लोग का जो जमाना का समय में ये प्रोफेशनल को कुछ आता पता नहीं था, तो इसलिए हम लोग का कोई गाइड नहीं था कि प्रोफेशनल क्या चीज़ होता है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBBS, IAS, IPS, इसका बारे में बहुत कम नॉलेज था, खास करके मेरा जेनरेशन, मेरा एरिया का। सिर्फ ये एक चीज़ जो है, पिताजी हमेशा बोला करता था, उनका जो ऑफिसर था, मेरा बेटा को तो एक ऑफिस बनाएगा, तो वो हमेशा अपना कून को भी बेचेगा लेकिन मेरा बेटा को ऑफिस बनाएगा, तो ऑफिसर बोलना चाहिए था लेकिन वो बोला कि ऑफिस बनाएगा। तो मैं तो बहुत मिस करता हूँ पिताजी को, क्योंकि मेरा क्लास 12 में वो गुजर गया जी। तो रेस्ट लाइफ तो उनका बिना ही हम लोग लाइफ को जिया, तो उसमें भी इंजीनियरिंग बनेगा, मेडिकल बनेगा, ऐसे पता नहीं, चलो निकल गया। ओके सर, व्हेन यू कंपेयर, आप उस समय का जब स्टडी स्ट्रक्चर को, जो एजुकेशन स्ट्रक्चर को आप जब मेंटेन, आई मीन्स कंपेयर करते हो जो अभी फिलहाल जो एजुकेशन सिस्टम है, तो अभी तो हम लोग को तो लाइक उस समय से कंपेयर करने से, वी आर गिवन, एवरीथिंग इज हम लोग के पास है, तो आप उसको कंपेयर करने से किस किस हद तक हम लोग वी हैव गॉन थ्रू? यस देखिए, अभी हम लोग पढ़ना चाहता था लेकिन हम लोग का पेरेंट्स लोग इफोर्ड नहीं कर सकता था, आज हम इफोर्ड कर सक रहा है लेकिन हमारा जेनरेशन का बच्चा लोग पढ़ना नहीं चाहता है। ये तो जो पढ़ रहा है जी। लेकिन समाज में अभी वही दिखाई देता है कि जो हमारा उस जमाना में जो क्लास 6-7 पास करने वाला और आज का मास्टर डिग्री करने वाला का आप 80-50%, क्योंकि हम लोग हमेशा इंटरव्यू बैठाता है, बच्चा लोग आता है तो हम लोग पूछताछ करता है, उस हिसाब से उस समय में पढ़ाई कम था लेकिन पढ़ने वाला जो क्वालिटी तो था जी। लेकिन आज क्वालिटी कम है। मेरा वही जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेन चीज़ है हमें अपना
पोटेंशियल को लेके, क्वालिटी को लेके स्वामी विवेकानंद ये बोला, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। तो एजुकेशन इज नथिंग, इट इज़ नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन पुटिंग इन टू योर ब्रेन, बट टू इट इज़ अ मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग बोल के जो एसिमिलेशन ये बोल के स्वामी जी जो बात किया है, ये चीज़ को अभी हम लोग को बहुत ज़रूरी है आज का सोसाइटी में, ऐसे ही मुझे लगता है। ओके सर, सो इसी का रिलेटेड एक सवाल है, अभी का पेरेंट्स को ऐसा क्या चीज़ करना चाहिए फॉर देयर चिल्ड्रेन इन रिलेटेड टू एजुकेशन? हाँ, ये हमारा ज़माना और आज का ज़माना में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी ईटानगर में जब से मैं डीसी देख रहा हूँ, तो यहाँ जो लोगों का नशा को हम लोग हमेशा बात कर रहा है, काम कर रहा है, इसमें अभी देखिए चिल्ड्रेंस आर नॉट एट दी हैंड ऑफ द पेरेंट्स। तो हम लोग का भी बच्चा है तो स्कूल कॉलेज में चला जाता है, दे आर एट द डिस्पोजल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि दे डोंट सी द कैरेक्टर बिल्डिंग, मोरालिटी को नहीं देखता है ये लोग, सिर्फ पुटिंग द इंफॉर्मेशन इन देयर ब्रेन्स। जो एजुकेशन जो है एक जो उसका लाइफ का सचमुच का जरूरी चीज़ को अभी नहीं देखा गया है। तो कारण क्या है कि दूसरा है कि जब घर में आ जाता है तो बच्चा लोग वेकेशन में, अगेन दे आर नॉट इन माई हैंड। उन लोग का अभी तो बिना मोबाइल देके बच्चा लोग तो नहीं रह सकता है, अभी जस्ट 5-6 साल का बच्चा भी मोबाइल पिताजी हम लोग से भी ज़्यादा जानता है। तो इसलिए उन लोगों का जो टीचिंग प्रीचिंग जो है पेरेंट्स का उस जमाना का से थोड़ा से विपरीत है जी। तो इसलिए आज का पेरेंट्स को भी हेल्पलेस दिखाई देता है, और अगर बच्चा जो है अगर भगवान का दया से अगर वो अच्छा होता है तो फिर अच्छा ही होगा, और अच्छा नहीं हुआ तो आउट ऑफ द कंट्रोल में रहता है। ओके यस सर, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू लुक बैक एट योर करियर, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू रिग्रेट यू हैवन डन एंड यू वुड लव टू रिलीव वंस अगेन? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। हम अभी ऑलमोस्ट 30 इयर्स का जो सर्विस हमने कंप्लीट कर दिया है जी, एट वेरियस लेवल, एडमिनिस्ट्रेशन हो या इंजीनियरिंग में जो भी हो, हमने रिग्रेट करने का कोई चीज़ नहीं है, एंड आई रिग्रेट फॉर द सोसाइटी एज ए होल। जैसे इंजीनियरिंग में सड़क बनाता है जी, तो ये पुअर क्वालिटी का काम होता है लेकिन हेल्पलेस होता है। यस, तो इसमें कितना फैक्टर्स होता है, तो इसलिए हम यही बोलेंगे कि मेरा कोई रिग्रेट नहीं है। अगर रिग्रेट है तो आई कुड नॉट कंट्रोल द फैक्टर्स दैट इज अफेक्टिंग द, सपोज ये कोई ब्रिज बना रहा है या बिल्डिंग बना रहा है या रोड बना रहा है, तो उस में रिग्रेट फॉर द पीपल जो लोग जिसको इसका पब्लिक का जो बेनिफिशरीज है जी, हाँ उन लोगों के लिए रिग्रेट करूँगा, और मैं एडमिट करूँगा कि रियली हम लोग का इट्स लाइक ए नेचुरल कलामिटीज ना। तो इट इज़ लाइक मैन मेड डिजास्टर, तो इसलिए वो एक चीज़ रह गया जो हम लोग वो कर नहीं पाया, उसके लिए बहुत सॉरी फील करता है। तो आप जब करना शुरू कर देता है यू आर ट्रांसफर्ड। यस यस, सो आपको क्या लगता है व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दैट? क्योंकि वी हैव सीन कि ऐसे काम होता है करप्शन, नॉट एग्जैक्टली करप्शन, लाइक गुड वर्क नहीं होता है, कुछ रास्ता बनाता है, बिल्डिंग बनाता है लेकिन प्रॉपर वे में नहीं बनता है, वी हम लोग देखते हैं जानते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव भी, बट होता नहीं है ठीक से काम, वही चीज़ को रिपीट करके वही पे होता है आता है, क्यों? ये चैलेंजेस है इसका ना, तो उसमें अभी एक एग्जांपल लेके, अभी मेरा जो ये पोरलैंड पैकेज BNC है, देखो अभी इन लोगों को काम जब हैंडओवर किया तो उन लोग का एक प्रोसेस होता है जी, वो प्रोसेस में वो लोग फंस जाता है जी।
अभी वो ब्रिज को डिजाइन करना, कलबर्ट को डिजाइन करना, कुछ कुछ में वो लोग को समय ले लेता है। तो उसका बाद क्या होता है कि फिर जब समय आता है, ठीक समय आता है करने का, फिर आपका कुछ बंद कॉल हो जाता है, कभी बारिश हो जाता है, और कभी कभी ये आप देखिए, हमारा इंडिया फेस्टिवल का सीजन कंट्री है, ईद है बोलेगा, लेबर चला जाएगा, तो बीच में जैसे कोविड आया था, तो ये सब चीज़ तो हम लोग चलो एक्सेप्ट करता है, लेकिन कुछ चीज़ जो है जानबूझ के समय लेता है ना, तो उसके लिए तो कोई उपाय नहीं होता है। कैसे, जैसे कि अभी ये जो पैकेज बी और सी है, अगर इसको हमें भी कोई कोई लोग सजेस्ट करता है कि भाई डोंट यू रिकमेंड फॉर कैंसिलेशन ऑफ दैट दिस अवार्ड ना, अवार्ड ऑफ वर्क गवर्नमेंट को बोलना चाहिए बोलते हैं। अगर गवर्नमेंट भी कर देता है देन क्या होगा, फिर री टेंडर होगा, देन अनादर मैंने 1-2 साल फिर लग प्रोसेस जाएगा, हो जाएगा तो मजबूरी है, फिर जी कुछ भी नहीं कर सकता है, तो कंपेल होके उनको ही अभी हम लोग बोलते हैं कि प्लीज़, अभी भी आज भी हमने सीएस को बात किया कि पब्लिक बहुत ये तकलीफ है, एक मीटिंग लिया जाए पैकेज बी और सी को लेके, तो सीएस में नेक्स्ट वीक में एक प्रोग्राम मीटिंग के लिए रखने के लिए बोला है। तो ये है, कुछ कुछ मजबूरियां है, तो कुछ मजबूरियां है, कुछ जानबूझ के वो ये प्रॉब्लम को खींचने के लिए कोशिश करता है जो चीज़ सही नहीं है। जी सर, आपके आपके लिए आपका कमेंट्स बहुत पढ़ा है हम लोगों ने। सो कि आप ये रिलेटेड टू दिस हाईवे बहुत लोगों का कंप्लेन है आपका आपके ऊपर, तो आपको आपके ऊपर मेम्स भी बनता है, कमेंट्स, बैड कमेंट्स आते हैं, तो आप उन लोगों को कैसे डील करते हो? मैं बहुत इसलिए मैं हमेशा थोड़ा मीडिया का साथ में जुड़ा रहता हूँ जी और देखता हूँ, और सबसे अच्छा हमको लगता है कि राइट कमेंट्स होता है ना, तो अच्छा लगता है। तो अभी जैसे कुछ कमेंट्स है जो दिल को बहुत दर्द पहुंचाता है, बार बार निर्जुली और नाहरलगन का रास्ता खराब है बोलता है, तो मैं परसों रात भी 12 बजे तक टीके कंपनी का साथ में, वो पप्पू नाला जो एरिया है, गड्ढा गड्ढी एरिया है, वहाँ पे मैं 1 घंटा उन लोग का भी समय बिताया। जी तो हम लोग जैसे ही उसको फिलअप किया, हम लोग डिस्पर्स कर रहा था कि फिर बारिश जी गिरना शुरू हो गया। तो अभी का सिचुएशन में क्या होता है कि आप काम को ना, स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकता है, खर्चा नहीं कर सकता है, ऑलरेडी अवॉर्ड कर दिया ना, जी तो अभी वो अवॉर्ड जिसको किया एजेंसी, उसको जो भी करना है करना है, जी फिर वो भी अभी मैंने इसलिए उनको घर में गया, कंपनी का ऑफिस में गया लास्ट संडे में, जाके मैं उधर पे बैठ गया, हम बोला खाना खिलाओ, हमें जब तक बातचीत नहीं होगा नहीं जाएगा, मैं फिर मीडिया को बुलाया, मीडिया को बोला हम इंटरव्यू लो, जी तो पब्लिक को भी मैं कोशिश करता हूँ कि सही चीज़ को बताने के लिए, लेकिन सही चीज़ को बताने का बावजूद भी उन लोग दुख होता है ना, जायज़ है, वो बोलता है कि ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है तो वहाँ में हम लोग लाइव में भी बात करता है, तो उनको ऑटो में बैठ के रास्ता में जाने दो बोलता है, तो वो भी बोलता है नहीं हम भी अपना गाड़ी से गया है, बहुत तकलीफ है, वो भी बोल रहा है, लेकिन हमारा जो बारिश और मौसम जो है साथ नहीं दे रहा है, यस यस तो इसलिए अच्छा हुआ आज आप हमको सवाल किया। मैं भी जो इस वीडियो को जो देख रहा है, इंटरव्यू को देख रहा है, मेरा रिक्वेस्ट है हम हमेशा सच्चाई पे आना चाहिए, ग्राउंड पे आना चाहिए, और हम बोलते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सरकार काम नहीं कर रहा है, हम काम नहीं कर रहे हैं, हमको बता दीजिए ना, मैं जहाँ आप खड़ा हो जाएगा उधर पे मैं आके हम लोग डिस्कस करेगा, पीजी के लिए जी वहाँ डिस्कस करेगा, जैसे मैं उस लास्ट संडे में हमने लाइव वीडियो हम शेयर किया है, तो उसमें जस्ट खत्म हुआ, फिर बारिश गया, फिर वो गड्ढा निकल गया, हमको भी बहुत, वो भी कम से कम करोड़ से ज़्यादा खर्चा कर दिया टीके जो है, अभी वो काम जो है,
तो तभी भी लोगों को कुछ नहीं होता है, हम क्या कर सकता है। वो दुखी है, हमें आत्मा दुखी है हमारा। सर एक मैंने एक दो तू कमेंट कलेक्ट किए हैं आपके, तो आपको फन वे में आपको रिप्लाई करना है उनको। हाँ जी, मैं ओके हमेशा पान में ही बात करता जी हूँ। सर, फर्स्ट कमेंट आपके लिए है, आपका ही कमेंट है आपके वीडियोस के ऊपर। सर सर प्लीज डोंट डू दिस अनहाइजीन वर्क बिकॉज यू आर वन ऑफ द टॉप मोस्ट ऑफिसर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नहीं, मैंने उसको पढ़ा है, हम भी पढ़ा है जी एक्चुअली। लास्ट ये जो इलेक्शन पोलिंग का दिन में जी काफ़ी गंदा हो गया, तो सुबह होने को था ये ऑलमोस्ट, फिर कुछ काम तो नहीं है ना, फिर चोर के भी नहीं जा सकता है, यस और स्टूडेंट लोग भी बहुत था, और ये एक मन में आया कि चलो क्यों नहीं उसको थोड़ा कोशिश किया जाए। तो इस वीडियो में मैं और चांगलांग का ना लोंगडिंग का एक लड़का मुझे साथ दिया, जी वो भी कर रहा था। उनका बस्ती को सबसे क्लीन माने विलेज डिक्लेयर भी किया, अवार्ड भी ओके मिला। ओ वो यस लड़का जो यस है मेरा साथ काम कर रहा था, तो मैं बहुत खुशी था। एटलीस्ट ये चीज़ को मेरा अटेंशन ड्रॉ करना था, जितना भी मैजिस्ट्रेट पुलिस स्टूडेंट का अटेंशन ड्रॉ करना था। जी ये नहीं है कि मैं पूरा ही सफा करूँगा, लेकिन ये गंदगी जो किया है ये बिल्कुल सही नहीं है। यस एक दूसरा है कि हम काम कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि हम IAS है या DC है हम काम नहीं करेंगे, यस हम काम कर सकते हैं। ये डिग्निटी ऑफ लेबर का बात है, मन में जी जो सोचा। और तीसरा चीज़ ये था कि मेरा पास वो समय था, कुछ काम नहीं था, और उसी हिसाब से टाइम पास किया, या ये था। सर एक सवाल है उसका, लाइक दे जिस वो उस समय पे लाइक मेनी ऑफ आर एजुकेटेड स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने गंदा किया, तो आपको बहुत बुरा लगता है देखने से, तो आप क्या कमेंट करना चाहोगे उसको? नहीं, मैं तो यही मानता है कि उन लोग भी जानबूझ के गंदा करने के लिए नहीं किया। तो हम लोग का अरेंजमेंट में भी जी पुअर था, क्योंकि ये लोग तो गंदा करेगा ही है, जब ये है कोई डस्टबिन का अवेलेबल नहीं किया गया, जी तो ये हम लोग का भी गलती है। और मैं नेक्स्ट दिन में मैंने अपना वो ESC लोग को बोला कि ये पॉलिटिन और हैंड ग्लोव मास्क लेके आओ बोला, लेकिन वो नीचे में नहीं के ऊपर में दे के रख दिया था। तो हम लोग तो कोशिश तो किया था, और नेक्स्ट दिन में हमारा SP साहब भी वहाँ से मैनेज करके जी एटलीस्ट वो जो एरिया को पूरा क्लियर कर दिया। तो हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि SP साहब खुद देख रहा था ना उस दिन, मेरा साथी था, तो नेक्स्ट मॉर्निंग में देखा है तो वो सफा करा रहा है कोई 3-4 स्वीपर को लेके, बहुत अच्छा लगा। और छोटा छोटा काम होता है, लेकिन वो इम्पेक्ट जो है ना उसका लिमिट कहाँ है अब पता नहीं चलता है। जी ओके सर, अगला कमेंट, दिस इज तालो पोतम जी इज हेड गांगब्रा ऑफ अरुणाचल प्रदेश। देखो मैं भी गांबूरा एडमिनिस्ट्रेशन में गांबूरा को मैं भी इतना नहीं मानता हूँ, क्योंकि गांबूरा जो है एक कॉम्प्रोमाइज स्टेज में चलता है। जी तो लेकिन ये जो इशू को लेके आपसू का जो इशू को लेके, क्योंकि मैं डायरेक्टली इन लोगों का जो वोटिंग पोलिंग ये इलेक्शन का जो सिस्टम में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैं इनडायरेक्टली इसको हैंडल किया। बीच में काफ़ी एस्केलेशन होना था, जी तो उन लोगों को ऑफिस में हम लोगों ने बुलाया, बात किया, नेगोशिएशन किया, काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मेच्योर लोग हैं, तो सीजन लोग हैं कैंडिडेट लोग, जी टाइम लगा है, लेकिन अल्टीमेटली रिजॉल्व हुआ। और अभी तो अभी शायद इस समय में वो काउंटिंग ख़त्म हो गया होगा, जी रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया होगा। तो उसको लेके किसी ने कमेंट किया है कि मुझे अरुणाचल का एक गंभूरा है, लेकिन आई अप्रिशिएट। एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन
चाहे वो IAS हो या IPS हो, APCS हो या कोई भी सिटीजन है, तो उन लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है कि कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, यू मे बी नॉट कंसर्न अथॉरिटी, लेकिन वो लोग आगे बढ़ना चाहिए. यस. और आगे बढ़ के सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन रिजोल्व करने का जो स्किल है वो आपका पास है, तो जैसे भी हो वो स्किल को यूज़ करना चाहिए. हमारा यहाँ अभी मॉडर्न जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन हो या बड़ा बड़ा कॉरपोरेट बॉडी हो, अभी सिर्फ वही है कि कॉम्प्लेक्स इशू को सिंप्लीफाइड करना है और इसको रिजोल्व करना है. अगर ये स्किल और टेक्निक आपका पास है तो कोई इशू नहीं होगा जी. बड़ा से बड़ा, इसलिए मैंने लास्ट टाइम हमारा जो चीफ सेक्रेटरी चला गया तो पीआरवेल का फंक्शन में मुझे ऑल डीसीज का बिहाफ में हमको बात करने के लिए बोला, तो हमारा जो चीफ सेक्रेटरी था वो भी बहुत, उसका पास ज़बरदस्त स्किल था हर इशू को रिजोल्व करने का. मैंने बोला सर को अगर यूक्रेन और रशिया का अगर इशू को ना जी. उनको अगर चांस देगा तो पक्का रिजोल्व कर देगा बोला. तो ऐसे करके गंबूरा जो बात है ये ज़रूरी है कि कोई भी जगह में कोई भी आदमी का पास अगर वो कॉम्प्लेक्स इश्यूज को सिंप्लीफाइड करके इसको रिजोल्व करने का स्किल होने से वो सोसाइटी में इन्वॉल्व करना चाहिए, और जो पार्टीज है ऐसे लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहिए और इशू को रिजोल्व कराना चाहिए. यस सर. ओके, लास्ट कमेंट आपके लिए. ये कमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है. अच्छी पोतम, आपका रोड नाहरलगन टू नेजुली वाला जो कैसा है ना, चिकन फॉक्स जैसा होगा, सॉरी चिकन फॉक्स बीमार होगा जैसा छंदा छंदा है. नहीं, ये बात सही बोला. मैंने जितना आपने जो अभी कमेंट्स है मैं कुछ शेयर करता हूँ जी, क्योंकि मैं अकेला इस इश्यूज का भागीदारी नहीं है. एज ए डीसी मैं तो कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ जी, तो इसलिए मैं शेयर करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लोग देखे, और उस जितना भी देख रहा है वो लोग भी कंट्रीब्यूट करना है. यस. ये एक कॉम्प्लेक्स इशू हो गया, उसको सिंप्लीफाइड करने के लिए, एक इसको रिजोल्व करने के लिए हम पूरा शेयर कर देता है. इवन मेरा ऊपर में भी जो गाली होता है मैं शेयर करता हूँ ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखे, और उसका अपना कभी ना कभी कहीं ना कहीं आज हम दोनों कुछ बात कर रहा है जी, अच्छा बात कर रहा है जी, इसको उन्होंने सुना, वो सुन के क्या होगा, वो कहीं ना कहीं जो इसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसका कान में घुसेगा. आपको भी जो यहाँ व्यूअर्स है देख रहा होगा, उन लोगों को भी आप लोग भी महसूस करेगा कि आपने ये बात को किया था तो बाद में देखा है तो ये तो गवर्नमेंट लेवल में पॉलिसी लेवल में वो आ गया. इसका मतलब क्या है कि लोग जो है नहीं बोलता है तो वो गलत बात होगा, बोलना चाहिए. बोलने से कहीं ना कहीं ये बात ऊपर तक जाएगा या लेटरल में या पार्टिकल में जाएगा, जाके वो उस काम को कहीं ना कहीं काम होगा जी. अब इवन ट्रैफिक का बात लेके आओ या कोई भी इश्यूज लेके आओ, सब वो ऐसे ही होता है. आपको बाद में आप लोग को भी जो देख रहा है वो भी लगेगा आज का बात तालोपुर तुमने जो बोल रहा है, आप लोग का बात किया वाला, आप लोग का डिस्कशन किया वाला, दारू पी के नाच करके या कहीं भी वो लास्ट में देखता है तो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है. इसलिए मेरा ये है कि उसको मेरा ये मैं उसको स्वागत करता हूँ और अच्छा लगा है और मैं शेयर भी किया है इसको. ओके, आपका रिएक्शन बहुत अच्छा था एंड कमेंट बहुत अच्छा था. ओके सर, ये आपका जो कमेंट सेक्शन है यहीं पे ख़त्म होता है. सो अगले सवाल के में जाते हैं. सर, यू आर वन ऑफ द ऑफिसर जो कि बहुत ग्राउंड पे देखते हैं हम लोग, तो व्हाट इज़ द बेस्ट सजेशन यू विल गिव टू द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू इम्प्रूव आवर सेल्फ एंड बिकम अ रैपिडली डेवलपिंग स्टेट? जो बहुत अच्छा बात है आपने जो ग्राउंड का बात किया है, मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि कोई भी डेवलपमेंट मतलब आपका जो एंड रिजल्ट या आपको रिसीविंग एंड जो है जी. वो ग्राउंड में होता है.
इसलिए मेरा सीनियर ऑफिसर का साथ कभी कभी झगड़ा हो जाता है, हमको अच्छा नहीं पाता है। मैं यही बोलता हूँ कि आप एसी रूम में बैठ के आप डिसीजन ले रहा है कोई मतलब नहीं है। यस सर, एसी रूम में, एसी गाड़ी में जाके नहीं, ग्राउंड में होता है सब कुछ, आपको ग्राउंड में आके ही काम करना होगा। तो मैं जितने भी एक्चुअली आप जो डीसी जो होता है ना जी, वो तो फील्ड ऑफिसर है। एसपी होता है, फील्ड ऑफिसर होता है, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फील्ड ऑफिसर होता है। मैं जो नया नया एई बना, हम लोग का पास गाड़ी होता था उस जमाना में। ऑफिसर लोग का, डॉक्टर लोग का गाड़ी नहीं होता था। वो लोग बहुत बोलता था कि हम लोग का पास गाड़ी नहीं है, लेकिन हम उन लोग को बता नहीं पाया। अभी तो मैं बता दूंगा, एई का जो गाड़ी है उसका इंटाइटल का नहीं है जी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का वो इंटाइटल का नहीं है, उसको बोलता है इंस्पेक्शन व्हीकल। आपको फील्ड में जाना है, डीसी को भी फील्ड में जाना है, एसपी को भी फील्ड में जाना है, ग्राउंड में। और जितना भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज, आज बहुत दुखी का बात ये है कि खराब भी लगेगा होगा, आप एनएचपीसी का चीफ इंजीनियर लोग को देखो, एनएचआई डीसीएल का चीफ इंजीनियर को देखो, सभी इंजीनियर लोग हमको थोड़ा से अच्छा नहीं पाएगा होगा, लेकिन ग्राउंड में जाना होगा। आज क्वालिटी ऑफ वर्क क्यों नहीं होता है, कारण ये है कि हम लोग जो सीनियर ऑफिसर्स लोग ग्राउंड में जाना होता है। तो इसलिए हम तो डेवलपमेंट अगर लेना है, चाहे हाईएस्ट लेवल का आदमी भी ग्राउंड में ज़रूर नेसेसरी होता है तो आना ही होगा। तो देखिए हमारा यहाँ का डेवलपमेंट जो है, जो 5% होता है तो अभी 95% होगा। यस, तो हम जो हमारा जो जेनरेशन है, ऊपर का जेनरेशन, हम उसको कुछ नहीं बोल सकता है। आने वाला जेनरेशन जो है, मैं तो मेरा जो ऑफिसर लोग को हम यही बात बोलता है कि आप अगर काम करने दिल नहीं है, आपको कोई ज़बरदस्ती यहाँ नहीं बिता रहा है, आप रिजाइन कीजिए ना। नहीं तो आप ज़्यादा साल नौकरी हो गया तो ये आप ये क्या बोलते हैं इसको, एक तार महीना वो बीआरएस ले लीजिए। हाँ, बीआरएस ले लीजिए जी। तो क्यों ज़बरदस्ती नहीं है ना, सरकारी नौकरी करना है तो काम तो करना होगा। तो अभी आपका जो सवाल को मैं थोड़ा से आगे और ले जाने से यही बोलूँगा कि जो पॉलिसी लेवल होता है जी, वो पॉलिसी लेवल में जो भी पॉलिसी डिसीजन होता है, दैट शुड बी प्रैक्टिकेबल। यस, अगर इम्प्रैक्टिकेबल होने से आप उसको तो ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। अच्छा, अगर वो सही हो गया, देन पील लेवल एजुकेशन जो है वो सिंसियरली, डेडिकेटली, पूरा लेतारन स्पिरिट में काम करना चाहिए। उसके लिए 24/7 होना ही पड़ेगा कोई भी ऑफिसर जी। अभी हम सिर्फ 6 घंटा मेरा ऑफिस टाइम है, ऑफिस टाइम जाएगा, उसके बाद ये हो गया, और संडे है हम नहीं काम करेगा, आज हॉलीडे है हम काम नहीं करेगा, अगर ऐसे रवैया होता है तो डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होगा, अभी जैसे है वैसे चलेगा। यस सर, यस। तो इसलिए जो लोग ऊपर भी नीचे भी, जो लोग सोचता है कि काम को 24/7 करना नहीं है सोचता है, तो उन लोग सरेंडर कर देना चाहिए, जो करने वाला है उसको करने देना चाहिए। यस सर, एग्जैक्टली सर, यू आर सच एन एग्जाम्पल फॉर ऑफिसर्स ऑल्सो, अपकमिंग ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर्स एज वेल। सो ओके सर, आगे बढ़ेंगे। एक फन वाला क्वेश्चन है फिर, फिर एक तो सपोज सपोज यू हैव अ डॉटर एंड समवन फ्ली अवे, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? मेरा तो है जी, मेरा 5 बेटी है, अगर कोई उसको भगा के ले जाता है जी, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। रीजन इज दैट, इसका मतलब वो जो लड़का जो है जी, मेरा बेटी को बहुत प्यार करता है, वो अच्छा से रखेगा। यस, ओके, सच ए नाइस वर्ड सर। ओके सर, आगे बढ़ेंगे। लेकिन भगाने से पहले बात तो करो, दूसरा बाप तो अलग है, मैं तो बहुत फ्री माइंड का हूँ, हमसे बात करके ले जाना चाहिए। ओके सो
कुछ कुछ कमेंट नहीं अगर निकल रहे. ओके सर, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द यंग फ्रेंड्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश हु आर इनटू ड्रग्स? हाँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ. ईटानगर में ज़्यादा से ज़्यादा जो ड्रग्स एडिक्टेड है जी हमारे यहाँ ज़्यादा है, और लगभग 1,000 के तादाद में और सिरेंज पुशिंग यस चलता है, और लड़की बहुत है और लड़का तो है ही है. तो जो हो गया है उसको मैं कहूँगा कि हमें सब हमें 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 बात करें. मैंने 2 सप्ताह 3 सप्ताह पहले भी कुछ लोगों को मिला आकाशदीप में, रात का 10-11 बजे बोला था कि मेरा ऑफिस में आने के लिए. और हमारा जो अभी कोशिश रहा था कि ईटानगर में ये एक रिहेब सेंटर होना चाहिए, तो ये सीसी लेखी को हम लोगों ने ईयरमार्क किया था. तो अभी हेल्थ डिपार्टमेंट जो है मिटपू का जो कोविड सेंटर है वहाँ पे उन लोग ने डिजिग्नेट किया, और यहाँ भी बहुत से लोकल लोकल को मैंने रिक्वेस्ट किया वो लोग रिहेब सेंटर खोलने के लिए. तो दो है, एक है कि अब जो ऑलरेडी एडिक्शन में है जी उनको वो लोग को रिहेब करना चाहिए और डी एडिक्शन करना चाहिए. और अगर इस वीडियो को कोई रिलेटिव्स देख रहा है, क्योंकि जो एडिक्टेड है वो तो हमको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, रिलेटिव से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप उनको कन्विंस करके हमारा पास लेके आइए. एज ए चेयरमैन हम डिस्ट्रिक्ट का जो डी एडिक्शन को लेके जो ये है प्रिवेंशन कंट्रोल ये सब के लिए डीसी चेयरमैन होता है, एसपी को चेयरमैन होता है, तो आप उनको मेरा पास लेके आइए. मेरा एक स्टाफ भी अभी छुट्टी मांगा है, 2 महीना हमने छुट्टी दे दिया है और रिहेब के लिए गुवाहाटी गया है. तो ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है, दिल बहुत खुश होता है. उसको हमने अभी वो पेमेंट देगा जी, उसका एब्सेंट नहीं करेगा. तो जो लोग अभी उसका रिलेटिव्स लोगों को मेरा पास लेके आने से अच्छा है कन्विंस करके, तो हमारा जो काउंसलिंग टीम है, हमारा जो स्टेट नोडल ऑफिसर है, मैं उनको बुला के, तो सबसे पहले अभी सिंस सिरिंज को यूज़ करता है ना जो ईडीडी एडिक्शन पार्टी लोग को, वो ये एचआईवी टेस्ट कराना है. तो एचआईवी टेस्ट जो है इस प्रकार से है, अगर डिस्ट्रिक्ट में भी है वो वहाँ से आने के लिए जो खर्चा है, जाने के लिए खर्चा फ्री है जिसको डाउट है जी. और यहाँ में एक होटल डिजिंग लेते थे, खाना पीना फ्री है, सोना फ्री है, लेकिन हमको भी मालूम नहीं, किसी को भी मालूम नहीं, उसको ये एचआईवी का जो ये है ऑफिसर एक तो मालूम है. तो वो आने से उसको वहाँ में खिला पिला के पूरा टेस्ट करेगा जी. तो फ्री टेस्ट होगा, और अगर पॉजिटिव होता है तो उसका इलाज कराना चाहिए. वो एक हो गया. ये एक है एचआईवी का साथ में कनेक्टेड है, और 2-3 ये बीमार का साथ कनेक्टेड रहता है. और क्योंकि बीच में हमने 2 को इधर भेज दिया था, 2 को कहीं और रिहेब सेंटर में, तो यहाँ टेस्ट किया, एक पॉजिटिव हो गया, फिर उसको ट्रीटमेंट चल रहा है. तो इसलिए जो एडिक्शन पार्टी को पेरेंट्स और गार्जियन रिलेटिव्स का ड्यूटी रहता है, उसको कन्विंस करो, काउंसलिंग करो, हमारे पास लेके आओ, तो पर्स वो चीज़ को हम बीमार को ठीक करना है जी. एड्स एड्स बीमार जो है उसको ठीक करना है, और दूसरा उसका ये टेस्ट करने का बाद दूसरा है उसको रिहेब सेंटर जो हमारा उस तरफ में 10-12 सेंटर है, वो कब खाली होता है पता नहीं, खाली करने का साथ साथ उनको वहाँ ले जाना होता है. तो पेरेंट्स का भी ज़रूरत होता है, गार्जियन का भी ज़रूरत होता है, उसको काउंसलिंग करना होता है. तो बहुत खर्चा होता है बाहर में ना, इसलिए हमारा जो गवर्नमेंट सेटअप है वहाँ में ले जाने से वो कम खर्चा रहेगा जी. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ये जो ड्रग्स एडिक्शन को, एडिक्टेड पर्सन को या एडिक्शन को बीमार का दर्जा दिया गया है, इसलिए ये लोगों को इसको
मदद करना चाहिए इलाज कराने के लिए। तो बार बार मैं भी गार्जियन और रिलेटिव्स, सोशल वर्कर्स, रिलीजियस लीडर्स, मैं सभी को अपील करना चाहूँगा कि उन एडिक्टेड पर्सन को अवॉइड ना करें, क्योंकि वो सोसाइटी में उनको वो तो कुछ तकलीफ तो है ही है, फैमिली को तकलीफ तो है ही है, दूसरा को भी एक न्यूसेंस यह क्रिएट हो गया। yes. तो ये है। और जो सप्लाई दे रहा है, मैं फिर से यहाँ शेयर करना चाहूँगा, जो सप्लाई दे रहा है आप लोग प्लीज़ आदमी को बर्बाद मत करो, क्योंकि आप लोग हमने खुद देखा है लेकिन आपको पकड़ नहीं पाया वो अलग बात है। जो दो लड़की हमारा ऑफिस में हमको प्रोडक्शन किया था, देखने में कितना हालत ख़राब था, लेकिन एक होटल में उसको कुछ दिन का बाद पाया है इतना बड़ा होटल में, और उसको कोई सप्लायर जो है उसको वहाँ रखा, उसको बहुत ये किया। तो इसका मतलब है कि वो लोग ही यूज़ कर रहा है ना इन लोगों को बेचारा। सप्लायर लोग को मेरा रिक्वेस्ट है कि ठीक है, आपको पैसा ज़रूरी है, ये है, दूसरा काम कीजिए ना, ये काम मत करो। और ये वीडियो में मैं पहले भी सभी को बोला है, जो आदमी हमको जैसे बांग हो गया, गांजा हो गया, अगर 3 बैग बुस्ता जैसे जो लोग पकड़वा देगा उसको मैं 50,000 अवार्ड दूंगा, और हीरोइन को जो एक रिक्वायर्ड अमाउंट होता है, क्वांटिटी होता है, वो पकड़वा देने से 1,00,000 रुपया इनाम देगा। मैं इतना ये साल भर से मैं ये घोषित कर रहा हूँ, अभी तक एक कोई भी नहीं आया। तो पब्लिक भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये तो जिसका एडिक्शन हो गया उन लोगों फैमिली का ही प्रॉब्लम है, सरकार का ही प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं है। जो लोग इससे जो कनेक्टेड नहीं है उनको भी ये चीज़ को तो ध्यान देना चाहिए सीरियसली। क्योंकि अभी मैं एक एग्जांपल, हमारा ऑफिसर लोग जो रेड करने गया था नीति विहार में जी। तो एक क्लास 12 का बच्चा जो सेल कर रहा है, जो हमारा ऑफिसर लोग आया है तो बोलता है कि पूछा है क्या बांग गंजा है, बोला हाँ है। मैंने वो जैसे बताया कि ये लीगल एक्टिविटीज़ है तो होगा, दिखाओ बोला है, तो पूरा बुस्ता लिखा के दिखाता है, और भी है क्या बोला था, हाँ बोलता है। फिर उसके बाद वो ये लॉबी का नीचे से जाके और भी दिखाता है, जबकि ये कानून इतना डेंजरस है। आप वेस्ट बंगाल में तो एक ड्रग्स रिलेटेड तोला को तो सुसाइड पासी तक भी सजा दिया हुआ है, और ये तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है। yes. तो लोगों को अवेयरनेस भी बहुत कम है। और आपने ये सवाल पूछा अच्छा है, क्योंकि ये जो ड्रग्स रिलेटेड जो भी बात अभी हमने कही है इसको वायरल करना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना है। और यहाँ हमारा जो इन्फोर्समेंट एजेंट है जी, वो लोग मजबूरी है, आप कभी कभी थाना में आप लोग घुसने से दिखाई देगा कि वहाँ पकड़ के रखने का बाद नॉर्मली क्या होता है, मोबाइल चोरी हो जाता है, चोर करता है, फिर माँ पिताजी को बुलाता है, तो थाना में वो आता है तो माँ पिताजी बोलते हैं कि हम लेके नहीं जाएगा बच्चा को, तो पुलिस भी उसको रखेगा। तो जेल में रखने का बाद फिर मजिस्ट्रेट लोग, हम लोग का एक सप्ताह का बाद मीटिंग होता है जो जिसका भी अरेस्ट में रहता है, तो वहाँ पे पुलिस बोलता है कि थोड़ा दिन रखो, मजिस्ट्रेट बोलता है कि नहीं हम कितना दिन रखेगा, तो माँ पिताजी भी नहीं रखेगा बोलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जितना भी सोशल वर्कर्स, एनजीओस, रिलीजियस लीडर्स, वो लोग, हम लोग जो इन्फोर्समेंट एजेंट है, आप लोग भी देखता होगा कभी कभी मीडिया में आता है तो सेम आदमी फिर बाहर में आपको फिर कुछ दिन का बाद दिखाई देता है। yes. तो लैक ऑफ एविडेंस भी हो जाता है कहीं ना कहीं, उन लोग भी बहुत चालू है। तो इसलिए समाज को आगे बढ़ना चाहिए, और ये ड्रग्स को लेके सरकार भी बहुत चिंतित है, सरकार ने काफ़ी पॉलिसी डिसीजन लिया है, और काफ़ी इसको लेके ऑनरेबल CM लोग भी, ऑनरेबल लैंड चीफ सेक्रेटरी सभी लोग लगा हुआ है,
लेकिन जब तक पब्लिक जो है इसको पब्लिक का इशू जैसे लेके काम नहीं करेगा, हम सक्सेस नहीं होगा। सर, किस हद तक पब्लिक लाइक हेल्पफुल होगा और किस हद तक पब्लिक हेल्प कर रहे हैं, आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं आपको कुछ? हाँ नहीं, पब्लिक तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सपोर्ट हम इसको डिमांड कर रहे हैं। पब्लिक सपोर्ट होने से देखो, आसमान से तो कोई नहीं आ रहा है ना, यस ना वो मिट्टी का नीचे से तो नहीं आ रहा है। ये जो ड्रग्स सप्लाई करने वाला और जो डिमांड कर रहा है, किसी ना किसी घर में तो है, हो सकता है होटल हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, हमारा समाज का हमारा बीच में तो है। जो फैमिली है वो गार्जियन लोग को तो मैं देखता हूँ, वो लोग बहुत परेशान है, जी वो लोग बहुत कोशिश है। अभी भी आप हमारा बहुत से ये स्टेट में उन लोगों का जो बच्चा लोग ट्रीटमेंट ले रहा है, और हमारे यहाँ में भी जो अरुणाचल में भी ट्रीटमेंट ले रहा है, वो लोग बहुत परेशान है। लेकिन अभी जो नहीं हुआ उनको हम कैसे बचाया जाए, तो ये हमारा जो समाज के लोग मालूम है ना, वो ये घर का बच्चा जो है ये ड्रग्स लेता है और उसका संगत में नहीं जाने देना है। कैसे जाने नहीं देगा, आप उसको आप कोई सोच विचार करके रास्ता निकलना होगा। और जिसका संगत से हो रहा है वो हमको एडमिनिस्ट्रेशन को बता दीजिए, हम लोग उसको उपाय करेगा कि उसको हम कैसे उस जगह से हम उसको एलिमिनेट करेगा, एलिमिनेट नहीं मैंने सेपरेट जी करेगा, जी ताकि जो इन्वायरमेंट ड्रग्स लेने का नहीं है आप क्रिएट करिए, हम क्रिएट करेंगे। तो जब तक ये अभी यहाँ जैसे ये रूम में कोई सिगरेट पी रहा है, जी धुआं हो रहा है, हमको अच्छा नहीं लगेगा, तो हम वो कमरा में जा सकता है ना। तो इतना तक तो हमको सोचना पड़ेगा सिंपल लैंग्वेज में। तो इसके लिए भी आप हमको पब्लिक जो है, अभी जैसे मैंने अभी इनाम अवार्ड देगा बोला है, अभी तो बहुत महीना हो गया आज तक कोई आया नहीं है, तो इसलिए देखता है कि। और यहाँ हमारा यहाँ में भी अभी 200-300 लोग हैं, अभी हम जो बात कर रहे हैं इस समय में भी 200-300 तो होगा, इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है। तो उसको तो हम लोग को थोड़ा टाइम निकाल के समाज के लिए काम करना होगा। जी ओके सर, इन एडिशन टू दैट आई हैव वन क्वेश्चन इन रिलेटेड टू HIV एंड एड्स। सर, बहुत प्लेटफॉर्म लाइक ऐसे बात को बहुत कम ही बात किया जाता है, बट इस द टाइसन टॉक शो के माध्यम से आप क्या क्या अवेयरनेस, क्या प्रिवेंशन देना चाहोगे जो व्यूवर्स को? हाँ मैं तो बात को हमेशा मैं मजाक से सभी दोस्त लोगों को बोलता है, कहीं सड़क पे कोई अच्छा लड़कों को मैं यही बोलूँगा, कोई लड़की देख रहा है अच्छा लगता है उसका साथ दोस्ती नहीं करना है। कौन ड्रग एडिक्टेड है कोई पता नहीं है, और ड्रग एडिक्शन को लेके HIV कौन लेके घूम रहा है कोई पता नहीं है। तो सभी लोग अपना आपको जो ख्याल करना चाहिए, और जो ऑलरेडी एडिक्शन में है उनका बारे में तो हम रिक्वेस्ट करेगा, आपको मदद करने के लिए सरकार तैयार है, आपको आना चाहिए। अभी ये जो है सभी डिस्ट्रिक्ट में अगर ये वीडियो को देख रहा है उनके लिए भी ये मैसेज है कि हर डिस्ट्रिक्ट का DC और SP को सरकार का निर्देश है कि आप लोगों को मदद करना है। तो इसलिए आप जो भी जो नहीं सुधरना चाहता है उनको रिलेटिव्स लोग लेके आना है, जो सुधरना चाहता है वो आप DC से मिलिए और वहाँ का नोडल ऑफिसर से मिलिए, तो आपके लिए सरकार ख्याल करता है। तो आप लोग इसको पैदा होता के अपना आपको एक आम नागरिक का जैसे जीने के लिए कोशिश करना चाहिए। सरकार ये भी विचार कर रहा है कि आप कोई कोई लोग सुधर जाने का बाद अनएम्प्लॉयड रहता है, तो जी उसके लिए भी एम्प्लॉयमेंट के लिए भी उसको एक स्किल डेवलपमेंट के लिए भी सोच विचार रखा है, लेकिन आप लोग आना होगा आगे। यस ओके सर, आगे बढ़ेंगे। सो इसे कहते हैं रैपिड फायर राउंड। हाँ जी सो सर, आप रेडी हो? हाँ जी। या यस, हु इज़ योर फेवरेट एक्टर? नाना पाटेकर, नाना पाटेकर, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टर। हु इज़ योर रोल मॉडल? स्वामी विवेकानंद। ओके सर, इफ यू कुड गेट रिड ऑफ वन हैबिट ऑफ योर्स, व्हाट वुड इट बी? मैं अभी
वर्कहोलिक है, इसको थोड़ा से मैं सोच रहा हूँ कि कैसे इसको कम करें, तो काम नहीं करने से मर जाएगा जैसे लगता है, तो इसको कैसे कम करेगा, क्योंकि अभी रिटायरमेंट के लिए 10 साल तो है, जी बिजी रहेगा, लेकिन 10 साल का बाद अगर जिंदा रहा तो बिना काम का हम कैसे रहेगा ना, इसके लिए इसको थोड़ा कम करना चाहता हूँ। ओके ओके सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर बीन चीटेड? हमको ऐसे नहीं लगा कोई चीटिंग का, तो कोई ऐसे ओके, याद नहीं है। हैव यू एवर चीटेड समबडी? हमने यस, हमने झूठ नहीं बोलेगा, किया होगा लेकिन याद नहीं याद है। नहीं आ रहा हाँ, है। ओके, पक्का किया होगा, जेन्युइन आंसर सर। जिन्होंने ओके लीगली चीटिंग भी हो गया और इलीगल भी होगा। ओके सर, ओके सर, मैंने एक कमेंट पढ़े थे इन इन रिलेटेड टू ट्रैकर फियर, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल कॉम्प्लेक्स पे स्टूडेंट्स बहुत है, तो उन लोगों को लाइक एफोर्ड नहीं कर पाता है। तो आपने जैसे कि बताया कि आप लोग वर्क कर रहे हो कर उसके रहा है। रिलेटेड, तो आप उन लोगों को क्या क्या फिर आप एक बार, मैं चाहता हूँ आप उन लोगों को मैसेज हाँ, दे दीजिए। नहीं, स्टूडेंट लोगों का दो इश्यूज था, एक ट्रेकर पेयर से, एक रेंट को लेके है। तो ये रेंट को लेके भी हमने अभी कमिटी कॉन्स्टिट किया है। हमारा बंदरदास साइट का तो हमारा जो ऑफिसर है वो शुरू कर दिया है, और लास्ट 2 डेज में वो मीटिंग भी बैठा। तो अभी ईटानगर नाहरलगन में भी पूरा सर्कल वाइज कमिटी बनाया कि रेंट को लेके, एक है कमर्शियल लैंड को, कमर्शियल जो बिल्डिंग्स है उसको मैंने IMC को और मार्केट कमिटी को रिस्पॉन्सिबल दिया कि आप ये मालिक का नंबर को लेके हमको देगा, और मालिक का साथ हम बात करके और रेट को हम जस्टिफाइड करेगा। लेट देम जस्टिफाइड, आपको ये रेट ले रहा है, ये सिक्योरिटी ले रहा है, क्यों ले रहा है, उसको जस्टिफाइड करने दो। उस हिसाब से आप लोग से भी बात करके, उनको बात करके एक रेट हम लोग ये करेगा। और रेसिडेंशियल में जो लोग स्टूडेंट लोग जो रेंट बैठ रहा है, उन लोगों के लिए भी हमने कमिटी कॉन्स्टिट कर दिया है, जी और रेंट को उसको भी जैसे ही वो डेटा आ जाएगा उसका ऊपर में वर्क करेगा, उसका बाद रेंट ओनर्स लोग को भी डिस्कस मीटिंग करेगा, बात करेगा। थोड़ा टाइम लगेगा जरूर, लेकिन काम शुरू तो कर दिया है स्टूडेंट लोगों के लिए, और आगे देखता है एक रिजनेबल रेट अगर दे सकता है तो अच्छा रहेगा। ओके सो गाइज, दैट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इज़ ऑन वर्क, हाँ सो जी, हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हाँ रेट कम होगा। हाँ सो ओके सर, विल मूव फॉरवर्ड। नहीं, इसमें मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी स्टूडेंट लोग या देख रहा है, आप भी कोशिश कीजिए ना, आप जिस बिल्डिंग में रहता है उसका रेंट कितना होना चाहिए, आप हमको बना के व्हाट्सएप करिए, नहीं तो आप हमारे ऑफिस में दे दीजिए, मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लोग है उसको दे दीजिए। और ये जो अभी टेकर और सुमू का भी जो ये प्यार है, जी उसको भी आप लोग वर्कआउट कीजिए कि आप लोग मालूम है तो वो गाड़ी में कितना पैसेंजर जा रहा है वहाँ से लेके वहाँ तक, तो उसका बाद वो तेल खर्चा कितना, फ्यूल कितना माइलेज दिशे देता है, उस हिसाब से कितना लेना चाहिए। तो दूसरा स्टेट में अभी जैसे आप गुवाहाटी में है, गुवाहाटी में वो फ्यूल का माइलेज का साथ में कैसे खर्चा को कैसे करके इतना रेट वो कम कर रहा है, तो यहाँ कैसे इतना बहुत ज़्यादा है ना इधर। जी तो इसको भी मेरा जो व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी थोड़ा हेल्प कीजिए और रेट यस, को हमको दे दीजिए, ताकि उसका ऊपर में हम वर्कआउट करेगा। ओके सर, अगला सवाल आपके लिए, हैव यू एवर रिसीव थ्रेटनिंग फ्रॉम फोन कॉल्स एंड मैसेजेस? हाँ, ये तो जब हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, जी अंडरग्राउंड लोग हमको कॉल किया है कि पैसा देना है, तो ईटानगर में, तो उनका फोन, मैं फोन को मैंने पुलिस में दिया, लेकिन कोई इसका कोई एक्शन नहीं हुआ। तो हमने अपना लोगों को लेके उसका कॉल जो किया, लोकेशन को जी आइडेंटिफाई किया था, एक ये नाहरलगन डी सेक्टर और पोलो कॉलोनी में मिला जहाँ से कॉल आया था लोकेशन, एक ये आदिबस्ती है इस इधर ईटानगर,
वहाँ में गया है तो वहाँ में एक दापो का एक फैमिली बैठा था, वो शायद बाहर में करा करके कॉल किया था होगा, और वो वहाँ में भी ऐसे मिला, तो लाइफ थ्रेटनिंग कॉल था, नहीं देने से ये ख़त्म करेगा। फिर उसका बाद में हम जब मजिस्ट्रेट हो गया जी, तब तो उसमें मैं उनको उस उन्हों उनको अरेस्ट किया। और अभी पहले वो यहाँ का इंचार्ज था, कुछ इंचार्ज है बोला इधर का ईटानगर का, तो उसका बाद तो उनका जगह में कोई रिप्लेस हो गया बोला, पता नहीं उसका बाद वही एक कॉल था, उसका बाद ओके, उसका पता दोबारा नहीं मिला, नहीं मिला। ओके सर, व्हाट इज़ द वर्स्ट केस दैट यू हैव एवर रिसीव्ड फॉर सिचुएशन? वर्स्ट केस तो देखो, अभी जैसे मैंने जो रिग्रेट का बात किया इंजीनियरिंग में जो है, और यहाँ ईटानगर का जो फोरलेन जो है अभी पार्किंग नहीं मिल रहा है ना जी, ये वर्स्ट केस था। मुझे काम करने से रोक दिया, तो उसमें मैं एक प्रिंस धवन डीसी था, उन्होंने ये जो काम को लिया, आज तक मैं बहुत दुख लगता है। इसलिए दुख लगता है कि मैं जब हियरिंग किया, जितना भी बिल्डिंग ओनर्स है उनका कहना था कि यूनिफॉर्म इविक्शन करना है, जैसे अभी हम नाहरलगन में कर रहा है। yes. मैं इतना एक फुट तक भी नहीं चोरा, क्योंकि देखो वहाँ कितना सुंदर से कॉपरेशन मिला, लेकिन यहाँ जैसे था उन लोग वहाँ भी ऐसे किया। वहाँ में बिल्डिंग ओनर्स एसोसिएशन बनाया, यहाँ भी बनाया, उसका बाद यहाँ भी कोर्ट में गया जी, वहाँ भी कोर्ट में गया, तो आज हमारा सिर्फ एक ही बिल्डिंग जो रह गया था, ये बेंजामिन होटल, उसका भी अभी आप देख सकता है उसका डिमोलिशन शुरू हो गया। तो सबसे वर्स्ट सिचुएशन यही था, क्योंकि सरकार के लिए पब्लिक के लिए हम काम कर रहा था, लेकिन मुझे काम करने नहीं दिया गया, उससे वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकता है? क्योंकि मैं भी खुद यहाँ रहता हूँ, तो मेरा बच्चा लोग और सभी लोग अभी देखिए ना, कभी कभी आप कुछ सामान लेना होता है तो पार्किंग जगह नहीं है, तो एक दिन मिस हो गया। मेरा दवाई का है मैं बात कर रहा हूँ, आरके मिशन में मुझे शुगर का दवाई लेना है, तो रुकने के लिए नहीं सक रहा है, तो फिर कल बाद में लेगा वो के, फिर बात बात करते करते एक दिन ऐसे हो गया कि 3-4 दिन मैं दवाई को ले नहीं पाया, बाद में किसी को बाइक में जाके लेने दिया। तो इसलिए सफरर तो मैं खुद भी हूँ जी, तो लोग भी है, तो अभी यहाँ कुछ नहीं कर पाया, लेकिन हमको फिर ज्वाइन करने देने का बाद फिर चीफ सेक्रेटरी और गवर्नमेंट ने 1.5 करोड़ दिया अभी, तो वो 1.5 करोड़ को अभी अभी 0.3 नाली में थोड़ा वाल बना के थोड़ा वहाँ में भी डेवलप कर रहा है, और वो भी कितना करेगा, इतना तो ज़्यादा तो नहीं हो yes, पाएगा। yes. सो दैट वाज माय मैंने सबसे खराब दिन वही था। ओके सो सर, अब गाना सुनते हो? गाना तो मैं बिल्कुल, अभी एक साथी इधर मिला था जी. उनका गाना तो बिल्कुल सुनता हूँ। सुनता हो? लाइक विच टाइप ऑफ सॉन्ग यू यूज टू लिसन? क्लासिक, पुराना वाला, मॉडर्न वाला? ये ऐसे कोई बात नहीं, कोई भी गाना सुन लेता हूँ। सुन लेते हो? ओके सर, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको, ऑफिशियल वर्क करते हुए देखते हैं लोग, तो ये वाला माहौल में आपको बहुत कम लोग देखते हैं, आई वन एक एक दो लाइन हो जाए सर। अरे ये बात अच्छा, ये गाना जो है जितने भी यहाँ दर्शक है और इवन आप लोगों को भी डेडिकेट करके ये गाना गा देता हूँ, एक लाइन जो है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पर जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। ये गाना है। Wow. Everyone, everyone, I want तो everyone to give. जो भी यहाँ दर्शक देख रहा है, जब तक मैं ये आप पब्लिक का सेवा में तत्पर रहेंगे, कुछ भी तकलीफ होता है, मिनट मिनट है ना, ये डायनामिक होता है, पब्लिक इश्यूज होता है, तो खास करके लॉ एंड ऑर्डर में
हम ईटानगर जितना भी यहाँ लोग रहते हैं, हम जब कभी भी मुश्किल होता है आप लोग मुझे साथ देना है। जी वी विल डेफिनेटली गिव, हम लोग कितना सकेंगे. मे हाँ बी ऑडियंस को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम हाँ लोग हर समय कंप्लेन करते हैं, बट हाँ हम लोग कभी कम फॉरवर्ड नहीं करते. हम लोग हाँ आगे आने में हम लोग कतराते हैं, आते नहीं है अक्सर. हम लोग बहुत कम आते हैं. तो मैं सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा दैट वी विल ऑल्सो डू आवर ओन लाइक रेस्पॉन्सिबिलिटी. हम लोग खुद खुद भी निभाएंगे. सो ओके सर, वी हैव कम टू आवर एंड ऑफ वर्ड, एंड ऑफ इंटरेक्शन. इट वॉज सच एन ऑनर टू हैव यू विद अस सर. तो सर, मैं चाहता हूँ कि आप इस टॉक शो के माध्यम से कुछ मैसेज कैपिटल हाँ रीजन और कुछ लोगों को देना चाहते हो. हाँ नहीं बिल्कुल, सबसे पहले आप ये टाइसन का जो टॉक शो है इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और हम चाहेंगे कि ये टॉक शो हमेशा कंटिन्यू रहना चाहिए। हर पील का लोगों को बुला के बात करना चाहिए, खास करके पॉलिसी मेकर लोग को आप लोग या बुलाना चाहिए। तो पॉलिसी मेकर लोग को बुलाने से क्या फ़ायदा होता है कि पब्लिक जानेंगे कि हमारा जो पॉलिसी मेकर लोग का विचार क्या है, उनका प्लानिंग क्या है। हमारा यहाँ जो होता है आप सवाल पूछेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए बात करेंगे, बुरा नहीं मानना है, ये जी पॉलिटिकल नहीं है, मैं जी एक जी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये लोग इस बात को नहीं बोलेंगे, नहीं सोचेंगे कि अगला जेनरेशन का लाइफ कितना खुश रहेंगे। सरकार हो या गैर सरकार हो या इवन आप लोग अभी जो भी काम कर रहे हैं, हम सभी समाज में खुशहाली लाने के लिए हैं। हर आदमी का लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए, कंफर्टेबल बनाने के लिए ही होता है। तो इसलिए इसका जिम्मेवारी जो है इलेक्टेड लीडर लोग होता है, उन लोगों को कभी कभी या बुला के बात करना चाहिए। और जो कुछ बहुत से लोग इलेक्टेड लीडर, मतलब सिर्फ एमएलए नहीं, एमपी नहीं, हमारा जो पंचायत है, कॉरपोरेट लोग भी देख रहा होगा, आप लोग भी इंटरेस्ट लेके अपना पॉलिसी प्रोग्राम को लेके टॉक शो में आना चाहिए, बात करना चाहिए। और ऐसे प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है जहाँ आपका बात को एक्सप्रेस कर सकता है, और लोग आपका बात को लेके अगर अच्छा बात आए तो हम लोग जैसे लोग भी कभी कभी इसलिए देखता है कि आप लोग का विचार को लेके, पब्लिक विचार को लेके हम लोग काम करने में आसान हो जाता है। नहीं होने से मैं अपना चीज़ को लेके सड़क पे उतर जाता हूँ, वो तो बिल्कुल ही गलत होता है। जी तो इसलिए कोई कोई लोग ये मीडिया का साथ ये नहीं होता है, मैं हमेशा सब मीडिया का साथ कोऑपरेट करता हूँ और सुनता हूँ। तो आज का ऐसे जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ज़रूरी है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए जो लोग इस चैनल को देख रहा है, हमारे यहाँ जो अभी मीडिया जो है जस्ट बच्चा जैसे है और उभर रहा है, उन लोगों का बहुत डिफ़िकल्टीज है। कभी कभी देखता हूँ उन लोग का पास गाड़ी जाने का साधन नहीं होता है, अपना बहुत से डिफ़िकल्टीज होता है। जो जो लोग स्पॉन्सर कर सकता है करना चाहिए, ऐसे चीज़ में असली में करना चाहिए, ना कि वो कोई ये इलेक्शन में या कोई जहाँ जो चीज़ समाज से इतना ज़रूरी नहीं होता है। और आज का जो ये टॉक शो में मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो हमने ड्रग्स का बारे बात किया है उसको आप लोग थोड़ा से ध्यान दीजिए। दूसरा है मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, जो लोग यूथ है और हमें वो यूपीएससी जो आईएएस के लिए इंटरव्यू देने जब गया था, मुझे एक सवाल पूछा है कि व्हाई मिजोरम इज़ मोर डेवलप्ड देन अरुणाचल प्रदेश, ये अभी भी मेरा दिमाग में दिल में है। तो इसको मैं इसलिए शेयर करूँगा कि मैंने भी जवाब यही दिया था कि द मिजोरम इन द मिजोरम द इलेक्शन इज़ कंडक्टेड बाय द क्रिश्चियन लीडर्स, देर इज़ नो एक्सपेंस फॉर द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन। सो जीतने का बात, दे डोंट हैव टू डू फॉर करप्शन और ये यस सब। तो इसलिए हमारा अरुणाचल में हम लोग जो चीज़ देख रहे हैं कि इलेक्शन में हम लोग बहुत खर्चा करते हैं, उसको रिकवरी करने के लिए फिर
जीतने का बात होता है। ये चीज़ को अगर हम लोग ख़त्म कर सकने से अच्छा है करप्शन को। और दूसरा है कि हम जो यूपीएससी में जो इंटरव्यू में हम जवाब दिया है कि लेजीनेस, हम अरुणाचल में बहुत हार्ड वर्किंग नहीं है, मेहनत करना नहीं चाहता है। अभी भी 90% लोग अभी कहीं वो कहीं ना कहीं ऐसे कोई गेनफुल काम नहीं कर रहा होता है। तो हमेशा देखिए, देखो ठीक है आप 7 आवर्स 8 आवर्स ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने करो, अपना आपको करो, नहीं तो फैमिली को करो, सोसाइटी करो, कुछ काम नहीं तो मेरा पास आओ ना, थोड़ा झाड़ू मारेगा सड़क पे, तो मेहनत करना होगा। तो दूसरा है कि हमने जो बात किया एजुकेशन को लेके, वो लोग पहले से आगे बढ़ा, तो अभी हम लोग लेट स्टार्टर है, तो एजुकेशन जो है हम लोग सही एजुकेशन लेना होगा जो हमारा समाज के लिए काम करेगा, आपका अपना के लिए काम करेगा। तो ज़्यादा पॉइंट्स बहुत है, इसको हम लोग ज़्यादा विचार नहीं करेगा। लास्टली हम यही बात करेंगे कि पिछले 2 सप्ताह में हमारा यहाँ में पूरा स्पीकर्स लोग कॉमनवेल्थ का जो हमारा जो पार्लियामेंट्री फोरम का जो यहाँ कंडक्ट हुआ, हम लोग उन लोगों का जो फैमिली भी आया था, थोड़ा इधर उधर विजिट करना था, तो लेकिन विजिट करने का ईटानगर में कोई जगह नहीं है एक्सेप्ट गुम्पा मंदिर और म्यूजियम ना जी। तो बहुत दुख लगा हम लोग को ना। तो जो भी व्यूअर्स या देख रहा है खास करके ईटानगर के अंदर में है, आप लोग कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे कुछ सजेशन प्लानिंग कंट्रीब्यूट कीजिए ताकि ईटानगर का जो रूपरेखा में कोई सुधार लाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाएगा, बाहर का लोग जो आएगा वो लोग यहाँ आके अच्छा लगेगा। हमारा जो टूरिस्ट पॉइंट टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू में मैं ये अपील लास्ट रखना चाहूँगा। और कुछ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जैसे हम ये जू में जाना है, रास्ता खराब है, पब्लिक उसमें कॉम्पेंसेशन मांगा है, फिर हमने नोटिस दिया, ये किया, फिर अभी बारिश आ गया, तो ऐसे करके बहुत प्रॉब्लम्स है। तो पब्लिक लीडर्स लोग और पब्लिक लोग हमेशा अभी मुझे सपोर्ट करते आया है, तो कंटिन्यू सपोर्ट करने से ठीक है ताकि ईटानगर को एक हम लोग लोगों के लिए एक रहने का लायक इन ऑल एस्पेक्ट्स ना जी करें। ओके, सच अ नाइस वर्ड सर। सो सर, इन स्पाइट ऑफ योर बिजी शेड्यूल, थैंक यू सो मच सर फॉर मेकिंग योर टाइम सर। तो आप लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग का थ्रू आई कुड मैंने शेयर सम ऑफ माई व्यूज ऑल्सो ना, मैं भी बहुत सेल्फिश आदमी हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर। सो गाइज, आज का ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। ऐसे ही आप लोग देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, विल ब्रिंग सच पर्सनैलिटी इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट वी कुड एबल टू इंस्पायर यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड अपने दोस्तों को भी इस टॉक शो के बारे में बताइए। जय हिंद, लव यू ऑल।